वहां पर उपस्थित समस्त गणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आर्यवीर सिंह कक्षा 12वीं विज्ञान ए से आज आपके समक्ष लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में विद्यालयों के योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज जिस स्थिति में हम हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वह अपनी अपनी जगह किसी न किसी रूप से प्रभावित अवश्य ही हैं। हर जगह के हर प्रकार के लोग इससे प्रभावित होंगे, फिर चाहे वह दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हों या फिर विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी, हर कोई इससे प्रभावित हुआ है। जहाँ एक ओर दफ्तरों ने अपने कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की सुविधा दी है, तो उसी ओर कदम रखते हुए विद्यालयों ने भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यमों द्वारा शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठाई। यह कदम अत्यंत ही सराहनीय है, क्योंकि शोधकर्ता यह दावा करते हैं यदि 2 महीने या उससे अधिक समय तक विद्यार्थी कोई विषय ना पढ़े तो उसका असर उनके पूरे शैक्षणिक वर्ष पर पड़ता है। ऑनलाइन माध्यमों द्वारा पढ़कर छात्र अपना समय बर्बाद नहीं करते, वह पढ़ने की इच्छा उनमें बनी रहती तथा जो समय वह घर में यूं ही फिजूल में ही नष्ट कर रहे होते उसे वह पढ़ाई करने में लगाते हैं एवं अपने अध्यापक एवं अध्यापिकाओं के साथ पढ़ते रहते। हालांकि इसके कई नुकसान भी हैं, जैसे कि विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षाओं में ना उनके शिक्षकगण के द्वारा बताई गई बातों को ना मानना, समय पर उनके द्वारा दिया गया कार्य पूरा ना करना इत्यादि। परंतु यकीन मानिए, इसके जितने नुकसान हैं उससे कई गुना ज़्यादा इसके फायदे। अंततः मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में जहाँ अक्सर बड़े भी अपनी हिम्मत खो देते हैं, उसी परिस्थितियों में विद्यालयों ने यह कदम उठाया है कि वो विद्यार्थियों को यह बता पाएं कि अभी भी हम एक साथ हैं और एक साथ मिलकर इस संकट से जीत सकते हैं।